जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी ऑफिशियली रिटन अग्रीमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई। नॉन कश्मीरी लड़की थे, शादी भी कर लेती है तो जो जम्मू कश्मीर में उसको जो प्रिविलेज मिलते थे उससे भी उसे बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की लड़की पीओके के किसी लड़के से शादी कर ले तब सारे उसके जो राइट्स थे वो प्रोटेक्टेड होते थे। तो इस 35A और आर्टिकल 370 की वजह से ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का भाग कम है और इंडिपेंडेंट ज्यादा है। अदरवाइज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम नहीं किया होता तो भारत इस वक्त एक देश नहीं होता, भारत 565 अलग अलग देशों में डिवाइडेड होता। तो आपको उत्तर प्रदेश से बिहार जाने के लिए भी आज 2023 में वीजा अप्लाई करना पड़ता। 1947 के हैदराबाद में आपको आंध्र प्रदेश भी पूरा का पूरा दिखता है, तेलंगाना भी पूरा का पूरा दिखता है और आसपास के भी कुछ कुछ रीजन दिखते हैं। अगर राजेंद्र सिंह ने वो ब्रिज नहीं उड़ाया होता और दो दिन एक्स्ट्रा नहीं मिले होते इंडियन आर्मी को तो आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो तो छोड़िए, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर शायद पाकिस्तान के पास होता। कोई यूनाइटेड नेशन बीच में नहीं आएगा, कोई वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट हम लोग नहीं मानने वाले। इट इज द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और हम दोनों ही इसको आपस में सॉल्व करेंगे, USA, UK, यूरोपियन यूनियन, नाटो, किसी की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की करंट अफेयर्स की इन डेप्थ सीरीज में जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करके बनाई गई है और जो आपकी इस UPSC एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगी। और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स होंगे उन्हें 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से भी, क्योंकि ये आर्टिकल 370 का इशू कुछ एक रीसेंट इशू नहीं है, ये 1946 से चला आ रहा था इशू था और जिसे 2019 में सॉल्व किया गया था लेकिन आज भी ये करंट अफेयर में बना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड PIL आज भी डली हुई है और केसेस जो है वो पूरी तरीके से चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A के बीच में फर्क को समझना होगा। आर्टिकल नंबर 370 की जब हम बात करते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम आर्टिकल 35A की बात करते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेकिन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जी हां, आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, जिसे अडॉप्ट किया गया था, उसके तहत यह कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को खुद का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। तो जब हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली शामिल होता है। जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इंडिया की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनाई गई थी, जिसने 9th ऑफ दिसंबर 1946 से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, 26th ऑफ नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और 1950 में उसको इंप्लीमेंट किया गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी रही है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, यानी कि जम्मू कश्मीर के संविधान के लिए संविधान सभा ही अलग बनाई गई थी और उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो यहां पर बहुत सारे इश्यूज थे। अब जब हम आर्टिकल 35A की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये बेसिकली ऐसी कौन सी चीजें दे देता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को जो इस तरीके की फीलिंग्स देती हैं इस देश के हर नागरिक को कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है ही नहीं और जम्मू कश्मीर को अगर आपको इंटीग्रल पार्ट बनाना है इंडिया का तो 370 और 35A हटाना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये कहा जाता है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं और अपने अपने स्टेट के रेसिडेंट हैं, लेकिन 35A में यह कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर के सिटीजन, यानी कि जम्मू कश्मीर के अलावा किसी और स्टेट का कोई व्यक्ति जो भारत का ही नागरिक है वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी तक नहीं खरीद सकता था, वहां इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता था, वहां रह भी नहीं सकता था। यहां तक कि बेसिकली अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की नॉन कश्मीरी लड़की से शादी भी कर लेती है तो जो जम्मू कश्मीर में उसको जो प्रिविलेज मिलते थे उससे भी उसे बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की लड़की पीओके के किसी लड़के से शादी कर ले तब सारे उसके जो राइट्स थे वो प्रोटेक्टेड होते थे। तो इस 35A और आर्टिकल 370 की वजह से ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का भाग कम है और इंडिपेंडेंट ज्यादा है।
तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल 370 सबसे पहले एस्टैब्लिश कैसे किया गया था। फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 370, 35A और जम्मू कश्मीर का जब कॉन्स्टिट्यूशन अलग से एस्टैब्लिश किया गया तो क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिले, क्यों हटाना इसे जरूरी था, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देखेंगे कि इसे किस तरह से हटाया गया। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए 14th और 15th अगस्त को हम सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बेसिकली पार्टीशन हो गया था, और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो इंडिया हमारा भारत 565 अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइडेड था, यानी कि 565 अलग अलग साम्राज्यों में डिवाइडेड था, और ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी कि आप सारी की सारी डायनेस्टीज को कन्विंस करें, फोर्स करें, चाहे जो करें, लेकिन उन्हें इंडिया में आप शामिल करें, तभी वो एक यूनियन इंडिया कहलाएगा। अदरवाइज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम नहीं किया होता तो भारत इस वक्त एक देश नहीं होता, भारत 565 अलग अलग देशों में डिवाइडेड होता। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर हमारी 565 डायनेस्टीज एक साथ आकर एक भारत न बनी होती तो आपको उत्तर प्रदेश से बिहार जाने के लिए भी आज 2023 में वीजा अप्लाई करना पड़ता। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते तो इंटरनेशनल फ्लाइट से आपको जाना पड़ता, डोमेस्टिक फ्लाइट वहां पर काम नहीं करती, यानी इंडिया एक कंट्री होती नहीं, इंडिया 565 अलग अलग कंट्रीज होती, और उन 565 अलग अलग कंट्रीज की हालत आज के पाकिस्तान से भी बदतर होती। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लेकिन शायद इतिहास में आज भी उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो वो डिजर्व करते। खैर आगे की तरफ चलता, तो 565 डायनेस्टीज थी इंडिया में, और इन 565 डायनेस्टीज को तीन ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप इंडिया के साथ शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए, स्वतंत्र रहिए। पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हम सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी हमें पता है, और होम मिनिस्टर थे हमारे पहले, ये भी पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और मिनिस्ट्री दी गई थी जिसे हम डायनेस्टी मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल रहा है भारत को भारत बनाने में, उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक और ऐसा है जिसको वो क्रेडिट नहीं दिया गया है हिस्ट्री में, और उनका नाम है वीपी मेनन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थी, मतलब उस वक्त होम सेक्रेटरी थी, ऑब्वियसली बात है वो सिविल सर्वेंट थे। तो जितना योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है इस भारत को यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में, उतना ही योगदान वीपी मेनन का भी रहा है। अब जब यहां पर बेसिकली 565 डायनेस्टीज को एक एक करके टारगेट किया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे इन डायनेस्टीज को भारत में शामिल करेंगे, तो 95% से ज्यादा डायनेस्टीज या फिर 99% से ज्यादा डायनेस्टीज को इंडिया में शामिल करने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, कुछ कॉन्वर्सेशंस लगी, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स और अग्रीमेंट लगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, यानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, और इंडिपेंडेंट होने के नाम पर पाकिस्तान के साथ वो बेसिकली जाना चाह रहे। उन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले नाम आता है भोपाल, नंबर टू त्रावणकोर जो बेसिकली केरला का पार्ट है, नंबर थ्री जूनागढ़ जो सौराष्ट्र का पार्ट है, हैदराबाद के बारे में तो बेसिकली आपने कहानियां सुनी ही होगी कि ऑपरेशन पोलो बेसिकली लॉन्च किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, इंडियन आर्मी घुस गई हैदराबाद में और वहां के नवाब बेसिकली फोर्स कर दिया कि आपको इंडिया में ही शामिल होना पड़ेगा। अच्छा अब ये हैदराबाद जो मैं कह रहा हूं ये आज का हैदराबाद नहीं है, ये 1947 का हैदराबाद है, 1947 के हैदराबाद में आपको आंध्र प्रदेश भी पूरा का पूरा दिखता है, तेलंगाना भी पूरा का पूरा दिखता है, और आसपास के भी कुछ कुछ रीजन दिखते हैं, और ये हैदराबाद कह रहा था कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। अब जरा इंडिया का मैप इमेजिन करने की कोशिश करिए और ये सोचिए कि इंडिया के अंदर दो तीन बड़े बड़े स्टेट्स पाकिस्तान कैसे कहला सकते हैं, मतलब इंडिया के अंदर भी एक पाकिस्तान होगा और इंडिया का पड़ोसी देश भी एक पाकिस्तान होगा, ये बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और हमारे लिए तो इमेजिनेबल भी नहीं है। और पांचवा स्टेट जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स है जिनको बेसिकली इंडिया में शामिल करना सबसे ज्यादा टफ रहा है। अब एक और चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि 565 डायनेस्टीज जो सक्सेसफुली इंडिया में शामिल हुई, उन सभी डायनेस्टीज को इंडिया में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, लेकिन वो एक रीजन जो आज तक इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी ऑफिशियली
रिटन अग्रीमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब भारत आजाद हुआ था तो कुछ फ्रेंच टेरिटरीज भी थी इंडिया में, जैसे बंगाल का चंद्रनगर, या फिर आंध्र प्रदेश का यमन, या फिर केरला का माहे, पुदुचेरी, और चेन्नई के पास एक जगह है करिकल, और कुछ पोर्तुगल टेरिटरीज भी थी, जैसे गोवा तो हमें पता ही कि 1960s के डेकेड में आजाद हुआ था, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। और उस टाइम पे इंडिया के जो आखिरी वायसराय थे उनका नाम था माउंटबेटन। अब ये बहुत सारे बेसिकली जितने भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स थे, माउंटबेटन ने सभी डायनेस्टीज और सभी स्टेट्स को ये कहा था कि आपका डिसीजन चाहे जो भी हो, लेकिन आप सभी डायनेस्टीज, आप सभी किंग अपना अपना डिसीजन 15th ऑफ अगस्त 1947 तक ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने 15 अगस्त 1947 तक अपने डिसीजन नहीं लिए कि आपको इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या इंडिपेंडेंट रहना है, तो वॉर लाइक सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यह थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो था वो बेसिकली एक बॉर्डरिंग स्टेट था, और माउंटबेटन ने बेसिकली जिस तरीके की वार्निंग दी थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो वार्निंग हमें 90% तक सच होती हुई दिखी थी। चलिए, अब जब ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था, जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम चल रही थी, उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग थे वो थे राजा हरि सिंह। अब राजा हरि सिंह ना इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे, ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, बाद में तो वो इंडिया के लिए मान ही गए, अग्रीमेंट साइन कर ही लिया उन्होंने, लेकिन इनिशियल लेवल पर राजा हरि सिंह ना इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी जम्मू एंड कश्मीर में ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन का 70% हिस्सा है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन उनका जो किंग है वो एक हिंदू किंग है। तो यहां पर बेसिकली किंग की जो विशेष थी वो उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की विशेष के काफी ज्यादा अगेंस्ट जा रही थी। अब राजा हरि सिंह बेसिकली इंडिया के साथ क्यों नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि राजा हरि सिंह को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ आ जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तैयार हो रहा था, तो पूरे के पूरे देश में इलेक्शन होने थे, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो। अब जब इंडिया के बाकी स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शन होंगे, तो जब जम्मू एंड कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में भी तो विधानसभा इलेक्शन होंगे, यानी जम्मू कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि उनका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा। और राजा हरि सिंह को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था कि अगर कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में ला दिया गया, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे, वो हार जाएंगे, और जो सदियों सदियों से, पीढ़ियों से जो बेसिकली इनका खानदान राजा महाराजा बना हुआ है, ये गद्दी बेसिकली इन्हें छोड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ा डर राजा हरि सिंह का बेसिकली यही था। लेकिन राजा हरि सिंह का जो सबसे बड़ा ओपोनेंट थे वो थे शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला का नाम शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बेसिकली दो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला, इनका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के अभी के लीडर हैं, और फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के फादर थे, पिता थे उनके, और शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, यानी शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के ग्रैंडफादर। अब शेख अब्दुल्ला जो थे वो राजा हरि सिंह के सबसे बड़े ओपोनेंट थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला चाह रहे थे कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में आ जाए, और शेख अब्दुल्ला डेमोक्रेटिक तरीके से भारत के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि भाई 70% पॉपुलेशन तो जम्मू एंड कश्मीर की मुस्लिम है, और मैं तो ग्रास रूट लेवल पे मुस्लिम्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से हूं, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर हूं, तो मैं तो यहां का एग्जीक्यूटिव हेड बनूंगा ही बनूंगा। ये दो सबसे बड़ी टसल हमको देखने को मिलती है राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि कश्मीर का इशू क्या है, बाकी हम लोग टेरिटरीज के बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ आर्टिकल 370 पे फोकस करने वाले हैं। अब कश्मीर के इशू में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखिए भाई, राजा हरि सिंह के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि वो बेसिकली क्या है कि इंडिया का सपोर्ट चाहते ही नहीं थे, जम्मू एंड कश्मीर में शांति स्थापित हो या किसी भी तरीके की मदद में इंडिया का सपोर्ट नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर राजा हरि सिंह इंडिया का सपोर्ट किसी भी तरीके से लेते तो उनको ये डर था कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिया की तरह जो डेमोक्रेसी है वो इस्टैब्लिश हो जाएगी, और अगर एक बार डेमोक्रेसी इस्टैब्लिश हो गई तो शेख अब्दुल्ला के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर के एग्जीक्यूटिव हेड बनेंगे। इस बात के चांसेस क्यों थे, एक तो मैंने आपको मुस्लिम पॉपुलेशन वाली चीज बताई थी, लेकिन दूसरा जो रीजन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती शेख अब्दुल्ला से बहुत अच्छी थी,
उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, फैमिली रिलेशंस थे। इसीलिए राजा हरि सिंह को पता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जैसे ही मौका मिलेगा वो शेख अब्दुल्ला को सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का एग्जीक्यूटिव हेड बना लेंगे, यानी कि कश्मीर इंडिया के साथ जाएगा नहीं जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको यहीं पर देखने को मिलती है। अब ये तो इंडिया के अंदर की प्रॉब्लम रही जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड की, लेकिन पाकिस्तान भी तो जम्मू एंड कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाह रहा था ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जो रास्ता चुना वो इनह्यूमन था, पूरी तरीके से अनएथिकल था। क्या हुआ वो देखते हैं। 20 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक बहुत लॉयल आर्मी पर्सन अकबर खान को ऑर्डर दिया कि आप पाकिस्तान में रहने वाली ट्राइबल मुस्लिम्स जो हैं उनकी एक आर्मी बनाइए, और उस आर्मी को नाम दिया गया आजाद कश्मीर आर्मी। और इस ट्राइबल मुस्लिम आर्मी में कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा लोग, और ये 10,000 लोग इंसान थे ही नहीं, ये बेसिकली जानवर ही थे, ये हवस से भरे हुए वो भूखे लोग थे जो बेसिकली दूसरे इंसान को भी कच्चा चबाने को तैयार। और इन 10,000 लोगों की ट्राइबल मुस्लिम्स की आर्मी को लेकर अकबर खान जो है वो कश्मीर की तरफ मार्च करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चलते हैं। और उसके बाद ये बेसिकली उरी से करीबन 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। 23 अक्टूबर 1947 के आसपास ये बारामूला में पहुंच जाते हैं। बारामूला कश्मीर का एक रीजन है, आपने उसका नाम सुना होगा। और बारामूला में पहुंचकर वो जेनोसाइड को एक तरीके से वहां पर दर्शाते हैं। बारामूला की 66% जो पॉपुलेशन थी उसको ये अकबर खान की ट्राइबल मुस्लिम्स की आर्मी मार डालती, और हजारों हजारों महिलाओं का रेप होता। और उस रेप में बेसिकली किसी भी तरीके का, एक तरीके से कहते ना कि लॉजिक ही नहीं था, मतलब 3 साल की बच्ची का भी रेप किया है और 80 साल की एक बुजुर्ग का भी रेप किया। 66% पॉपुलेशन बारामूला की पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर की तरफ और आगे बढ़ना चाह रहे थे। यहां पर एक जम्मू एंड कश्मीर के इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था शहीद राजेंद्र सिंह, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। शहीद राजेंद्र सिंह ने राजा हरि सिंह को भी ये बात से वॉर्न किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक भी अपनी बात पहुंचाई थी कि अगर पाकिस्तान की रहने वाली ट्राइबल मुस्लिम आर्मी इंडिया तक आ जाती है तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन आर्मी पोस्टेड है, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन आर्मी पोस्टेड है उसमें मेजॉरिटी इंडियन आर्मी पर्सन मुस्लिम है, तो अगर पाकिस्तान की ट्राइबल मुस्लिम आर्मी जम्मू एंड कश्मीर आ जाती है तो हो सकता है कि जो इंडियन आर्मी के जम्मू एंड कश्मीर के पोस्टेड मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, मुस्लिम सोल्जर्स हैं, वो शायद पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट करने लगे। और एग्जैक्टली यही हुआ 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 1947 के बारामूला के इस कांड। अब यहां पर आप यह समझिए कि बारामूला में जो इंडियन पॉपुलेशन रह रही थी वो सिर्फ हिंदू तो थे नहीं, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, यानी वो पाकिस्तान के जो ट्राइबल मुस्लिम आर्मी बारामूला पे अटैक किया था उन्होंने सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट ये अटैक नहीं किया था, उन्होंने इंडियंस के अगेंस्ट ये अटैक किया, यानी इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ठीक है। अब जब 25 अक्टूबर के बाद कश्मीर वैली में प्रॉपर एंटर करने वाली थी ये ट्राइबल मुस्लिम आर्मी पाकिस्तान की, तब शहीद राजेंद्र सिंह ने बारामूला को कश्मीर से जोड़ने वाला जो ब्रिज था, जो काफी लंबा, कुछ मीटर्स लंबा ब्रिज था, उस ब्रिज को पूरी तरीके से उड़ा दिया बम से, और 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इंडियन आर्मी को जम्मू एंड कश्मीर पहुंचने। अगर राजेंद्र सिंह ने वो ब्रिज नहीं उड़ाया होता और 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिले होते इंडियन आर्मी को, तो आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो तो छोड़िए, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर शायद पाकिस्तान के पास होता। और यहां पर ब्रिज को बम से उड़ाते वक्त जो राजेंद्र सिंह है उसी इंसिडेंट में खुद शहीद भी हो गए, यानी कि अगर आज जो जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास है लिटरली हमारी आर्मी के अंडर है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का है। खैर आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पर बीपी मेनन ने हरि सिंह को एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एडवाइस दी। बीपी मेनन, हम बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। बीपी मेनन ने हरि सिंह को यह स्ट्रिक्ट एडवाइस दी कि देखो भाई ट्राइबल मुस्लिम आर्मी तो पहुंच ही चुकी है,
वो आ ही रही है, मार्च कर ही रही है, आप तो देख ही रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्या हालात हो रखे हैं। और वीपी सिंह ने, सरदार पटेल के सेक्रेटरी ने हरी सिंह को ये कहा, अगर आपने अभी के अभी इंडिया के साथ शामिल होने का अग्रीमेंट साइन नहीं किया तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। और फिर जो आप कह रहे थे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे तो आजाद रहना है, आप आजाद नहीं रह पाएंगे, आप सब कुछ खो देंगे क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो पहुंच ही रही है, आप पे अटैक कर देगी, डेमोक्रेसी तो छोड़िए डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगी और आप राजा से रंक बन जाएंगे। राजा हरि सिंह को यह बात तुरंत समझ में आ गई कि अगर मैंने इंडिया का सपोर्ट इस वक्त नहीं लिया और इंडिया में अगर मैं शामिल नहीं हुआ तो मैं सब कुछ खो दूंगा जिस चीज को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी डर से राजा हरि सिंह ने फाइनली जो अग्रीमेंट है वो साइन कर दिया इंडिया के साथ शामिल होने का। और कब साइन किया? 26th of October 1947 को। जैसे ही राजा हरि सिंह ने इस अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट पर साइन किया, उसके तुरंत बाद माउंटबेटन ने भी इस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया और इंडिया ने ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर का एनेक्सेशन कर लिया और जम्मू एंड कश्मीर भारत के अंडर आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, जम्मू एंड कश्मीर भारत के अंदर तो आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, एनेक्सेशन हो गया, राजा हरि सिंह ने भी सिग्नेचर कर दिया और माउंटबेटन ने भी सिग्नेचर कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट यानी नेहरू जी और सरदार पटेल तो ये चाह ही रहे थे, तो कोई बात ही नहीं है इसमें। लेकिन जो पाकिस्तान की ट्राइबल मुस्लिम आर्मी थी, जिसे हम आजाद कश्मीर आर्मी के नाम से जानते हैं आज भी, वो तो बारामूला तक पहुंच ही चुके थे ना, उतना जो एरिया है वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर आ चुका था और उसी को आज हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी माउंटबेटन जो थे वो बेसिकली वॉर के फेवर में नहीं थे, यानी वो बेसिकली सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर रहे थे कि भाई देखो उन लोगों ने कर दिया, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, हमें वॉर नहीं करना। माउंटबेटन जो है वो बेसिकली किसी भी तरीके से यहां पर वॉर करने की सिचुएशन में नहीं थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो रखे थे उस वक्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन को फोर्स किया कि आपको हमें परमिशन देनी पड़ेगी कि हम इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर भेजें, क्योंकि वीपी मेनन ने राजा हरि सिंह को प्रॉमिस किया है कि अगर आप अग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो इंडियन आर्मी 24 से 48 घंटे के अंदर बेसिकली कश्मीर पहुंच जाएगी और आपके राज्य को पूरी तरीके से बचा लेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेशर में आकर माउंटबेटन ने वो परमिट किया और इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर पहुंच गई और एनेक्सेशन हम लोगों ने ऑफिशियली कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के रोल की इस पर, एक बार यूनाइटेड नेशन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग जो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त के डिसीजन का क्रिटिसिज्म आज भी किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन नहीं गया, इट वॉज इंडिया हु वेंट टू यूनाइटेड नेशन। जब कश्मीर की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और एनेक्सेशन हो चुका था और इंडियन आर्मी ने ये कहा था इंडियन गवर्नमेंट को और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को कि आप बेसिकली हमें सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत और दीजिए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम आपके कदमों में लाकर रख देंगे, यानी पीओके भी कश्मीर का हिस्सा, भारत के कश्मीर का हिस्सा बन ही जाएगा। उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा भारत लेकर गया, हमारे प्रधानमंत्री लेकर गए, और ये क्रिटिसिज्म इनका किया जाता है कि जब ये जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम, जिसके बारे में आज हम 2023 में बात करते हैं कि कहीं पर बात नहीं होगी इंटरनेशनल फोरम पे, कोई यूनाइटेड नेशन बीच में नहीं आएगा, कोई वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की रिपोर्ट हम लोग नहीं मानने वाले, इट इज द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और हम दोनों ही इसको आपस में सॉल्व करेंगे, यूएसए यूके यूरोपियन यूनियन नाटो किसी की जरूरत नहीं है हमें। तो जब आज हमारा ये स्टैंड इतना क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर दो देशों के बीच का मुद्दा है, वो दो देशों के बीच का ही मुद्दा रहेगा, इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनेगा, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं चाहिए, इवन देन अगर हम लोग यही पॉलिसी 1948 में भी बेसिकली अगर इंप्लीमेंट करते तो शायद आज जम्मू एंड कश्मीर की और बेहतर स्थिति हमें देखने को मिलती। अब मैं आपको एक और एक एनालिसिस की बात बताता हूं। मैं अगर आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन की फिर भी हमें बहुत हैसियत देखने को मिलती है। वैसे तो आज तो उसकी अथॉरिटी काफी कम हो चुकी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है रशिया और यूक्रेन के वॉर को चालू हुए। लेकिन यूनाइटेड नेशन तो एस्टैब्लिश ही 24th of October 1945 को हुआ था और ये बात हम कर रहे हैं 1948 की, आप जरा सोचिए 3 साल में यूनाइटेड नेशन की ऐसी क्या ही औकात थी, ऐसी क्या ही हैसियत थी कि वो जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और आप यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री सारी की सारी देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहला मुद्दा था, यानी यूनाइटेड नेशन की बेसिकली अगर हैसियत बढ़ी है ना तो वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे की वजह से बढ़ी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन उस वक्त डिजर्व ही नहीं करता था
जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 3 साल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कभी बन ही नहीं पाया था, तो यूनाइटेड नेशन के पास जाने की जरूरत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। खैर, इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दोनों तरफ की बात है। खैर, 21st of April 1948 को यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन आता है जम्मू कश्मीर के लिए, और कुछ कंडीशन यहाँ पर रखी जाती है। सबसे पहली रखी जाती है यहाँ पर सीज फायर ऑर्डर की, यानी किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होगा। ट्रूस अग्रीमेंट साइन किया जाता है कि भाई कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, और दोनों कंट्रीज जो है वो प्लेबिसाइट जो है वो एक्सेप्ट करेगी। प्लेबिसाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बोला जाएगा कि तुम लोग वोट करो, तुम्हें इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या आजाद रहना है। वो प्लेबिसाइट बेसिकली कभी इंप्लीमेंट ग्रास रूट लेवल पर हो ही नहीं पाता। खैर, जैसे ही ये ट्रूस अग्रीमेंट साइन होता है, सीज फायर होता है, और जहां पर बेसिकली ये फाइनल किया जाता है 31st of December 1948 को कि जो आर्मी जहां है भैया रुक जाइए, है ना, सब लोग अपनी अपनी जगह पे रुक जाइए, और जो भी वॉर 1st of January 1949 को रुक गया, यानी इंडिया की आर्मी एक तरफ, पाकिस्तान की आर्मी एक तरफ, उसी जगह पर रुक गए, उसी के बीच के बॉर्डर को आज हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के नाम से जानते हैं। 1st of January 1949 को जहां पर आर्मी रुक गई, दैट वॉज बेसिकली LOC। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। देखिए, शेख अब्दुल्ला को बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत गहरा दोस्त होने का फायदा भी मिला, क्योंकि 30 अक्टूबर 1947 को उनको जम्मू एंड कश्मीर का एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 4 मेंबर्स जम्मू एंड कश्मीर से भी थे। एक तो शेख अब्दुल्ला थे ही, दूसरे थे मिर्जा अफजल बेग, तीसरे थे मसूबी, और चौथे थे मोती राम बागरा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल नंबर 306 बनाया था, उसको स्पेशल प्रिविलेज देने के लिए 306, और यही आर्टिकल 306 को हम लोग बाद में आर्टिकल नंबर 370 के नाम से जानते हैं। और आर्टिकल 370 में ये क्लियरली कहा गया था कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को टेम्पररी स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। अब जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया, वो स्पेशल स्टेटस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन ये स्पेशल स्टेटस बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी था, ये कोई परमानेंट बेसिकली स्टेटस नहीं दिया गया था। खैर, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहां पर एक नोटेबल पॉइंट ये है कि आर्टिकल 370 जो है ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अमेंडमेंट के द्वारा नहीं इंप्लीमेंट किया गया था, सिर्फ एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। ये प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज हमें आने वाले 10 से 15 मिनट में हमें समझने में काम आने वाली है। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है, उसे किसी बहुत बड़े अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या लॉ पारित करके नहीं इंप्लीमेंट किया गया था, एक सिंपल से प्रेसिडेंट ऑर्डर से इंप्लीमेंट किया गया था। अब इसके इफेक्ट देखते हैं। आर्टिकल 370 में हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस तो दे दिया, लेकिन इसके इफेक्ट भी देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहला तो ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर के अलग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई, जिसे बेसिकली हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि एक ही देश में दो संविधान किस तरीके से हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि आप और मैं भारत के, हम दोनों भारत के नागरिक हैं, लेकिन मैंने लड़ झगड़ कर किसी भी तरीके से स्पेशल सिटीजन का मैंने दर्जा ले लिया है, और मुझे ज्यादा प्रिविलेज और ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं आपके कंपैरिजन में, जबकि आपका और मेरा लेवल इक्वल है सिटीजनशिप के मामले में। तो ये तो बेसिकली अनफेयर हो गया ना आपके साथ। तो एक देश में दो विधान नहीं हो सकते, और इसी के खिलाफ थे जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की थी PDP के लोगों ने, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर के एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा अगेंस्ट में थे। जनसंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात फिर कभी और किसी एक टॉपिक पर करेंगे, अभी इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो पहली चीज तो ये कह दी गई कि जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। दूसरी चीज ये कही गई कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे उनमें से सिर्फ 3 प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है जम्मू कश्मीर के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार लेगी। इसके अलावा जितने भी डिसीजन है, जितने भी डिसीजन का मतलब जितने भी डिसीजन, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, आप हेल्थ की बात करें, आप किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात करें, आप वेलफेयर की बात करें, आप पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी इंप्लीमेंट करना है तो वो बेसिकली पहले अप्रूवल लेगी जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा से, उसी के बाद अप्रूव हो पाएगा। यानी कि आप एक चीज ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे भारतीय सरकार ने उज्ज्वला योजना लाई,
जो गैस सिलेंडर से रिलेटेड है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना लाई जिसमें हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए घर बनाते हैं, या फिर हर घर योजना नल घर योजना लेकर आई जिसमें ये कहा गया कि हर घर में नल से पीने का पानी जो है वो लाया जाएगा, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर एक के घर में टॉयलेट बनवाया जाएगा। ये जो अच्छे वेलफेयर के काम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद की मर्जी से जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनको घर बना के देना चाहते हैं, हम उन्हें एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल देना चाहते हैं, साफ पीने का पानी देना चाहते हैं, उनके घर में टॉयलेट बनवाना चाहते हैं ताकि बीमारियां ना फैले। और अगर जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा ने इन अच्छे कामों के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर दिया तो ये वेलफेयर के काम भी जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जो 70 75 80 सालों से बात हो रही थी ना कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कर ही नहीं पाई ना, क्योंकि विधानसभा ने हमेशा रोड़ा डाला सेंट्रल गवर्नमेंट के रास्ते पर। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो जनता पार्टी की हो, चाहे वो नेशनल फ्रंट की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, इसीलिए जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हमें नहीं के बराबर देखने को मिलता। खैर, अब ये तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ही यहां पर। इसके अलावा एक और इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, आज की डेट में करीबन 470 आर्टिकल हैं। उन 470 आर्टिकल्स में से सिर्फ दो आर्टिकल ही जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। एक तो है आपका 370 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा है आपका आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत का हिस्सा। यानी सिर्फ ये दो कानून जम्मू कश्मीर पर इंप्लीमेंट होते हैं स्पेशल स्टेटस के नाम पर, और कोई दूसरा आर्टिकल इंप्लीमेंट होता ही नहीं है, कोई दूसरा बेसिकली कानून लागू होता ही नहीं है। तो ये फील कैसे आ सकता है किसी को कि जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली भारत का हिस्सा है? सिर्फ बोलने के लिए तो आप उसे भारत का हिस्सा नहीं कह सकते ना, शब्दों से ही थोड़ी ना दिखाएंगे, एक्शन तो दिखना चाहिए, और एक्शन यहां पर दिख नहीं रहा था। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट पर, ये है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से आर्टिकल 370 को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बेसिकली आर्टिकल 370 को रिमूव किया था। चौथा इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है आर्टिकल 370 का कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पर कोई भी तीसरा आर्टिकल इंप्लीमेंट करना है या किसी भी तरीके का अमेंडमेंट लाना है, क्योंकि दो ही आर्टिकल इंप्लीमेंटेड है जम्मू कश्मीर पर, एक है 370 और एक है आर्टिकल नंबर 1, के अलावा कोई भी दूसरा आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर अगर इंप्लीमेंट करना है या फिर अगर चेंज करना है तो वो किस हिसाब से किया जाएगा? सर, वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से ही किया जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्टिकल 370 भी तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से इंप्लीमेंट किया गया था, तो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से किए जाएंगे, वेरी लॉजिकल। और प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है वो उसे अप्रूव करेगी, और उसके बाद ही वो किसी भी तरीके का चेंज ला सकते। ठीक है, अब हमारे होम मिनिस्टर ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से इसी पॉइंट का इस्तेमाल किया, ध्यान से समझिए। यहां पर इस फोर्थ पॉइंट में क्लियरली लिखा है, अगर आप आर्टिकल स्पेसिफिकली चाहें तो मैं वो भी आपको बता सकता हूं, आर्टिकल 370 क्लॉज डी। ठीक है, तो आर्टिकल 370 क्लॉज डी सब क्लॉज 4 में ये लिखा था कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके का आर्टिकल आपको चेंज करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से होगा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको अप्रूव करेगी। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस, ये चारों जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती। एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी गठबंधन करते और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना लेते, जिसमें मुख्यमंत्री बनती है महबूबा मुफ्ती और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के एक लीडर। लेकिन ये जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी और पीडीपी की, ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाती और फाइनली बेसिकली बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है, और उसके बाद कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या है कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती, और आने वाले 6 महीने में विधानसभा इलेक्शन करवाने थे लेकिन इसी बीच में प्रेसिडेंट ऑर्डर जो है, क्योंकि वहां पर बेसिकली कोई है नहीं गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू बेसिकली प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और सारी की सारी पावर जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर को
ट्रांसफर कर दिया। यही वो मौका था जब इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, क्योंकि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया आर्टिकल 370 में अगर किसी भी तरीके का चेंज करना है या जम्मू कश्मीर में किसी भी आर्टिकल में किसी भी तरीके का चेंज करना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर हम पास करवा देंगे। प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करवाने के बाद क्या चाहिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का अप्रूवल चाहिए। सर जम्मू कश्मीर की विधानसभा का तो अप्रूवल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो तो सस्पेंडेड है, वहां पर तो प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के बदले कौन डिसीजन लेगा वहां पर, ऑब्वियस ही बात है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर ही डिसीजन लेंगे। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल 370 क्लॉज डी सब क्लॉज 4 का इस्तेमाल करते हुए एक चेंज लाया कि आर्टिकल 370 को हम स्क्रैप कर रहे हैं, यानी जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था पूरा का पूरा आर्टिकल 370 स्क्रैप नहीं किया, जिन क्लॉजेस में स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था सिर्फ उनको स्क्रैप किया। ठीक है, तो जो स्पेशल स्टेटस दिए जा रहे थे जम्मू कश्मीर को हम उसको खत्म करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे खत्म किया, प्रेसिडेंट ऑर्डर से खत्म किया। प्रेसिडेंट ने क्यों ऑर्डर दिया, क्योंकि सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये बात क्लियरली लिखी गई है दैट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार रिकंसल्टेशन के लिए उस सजेशन को वापस भेज सकता है। अगर गवर्नमेंट ने वैसा का वैसा सजेशन फिर से प्रेसिडेंट को वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को वो सिग्नेचर करने पड़ते हैं, उन ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। यानी कि यहां पर प्रेसिडेंट ऑर्डर हुआ और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर जैसे ही पास हुआ जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया। क्यों अप्रूव कर दिया, क्योंकि हम सभी को पता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट ही होते हैं। और फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होते हुए, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट न होते हुए, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से पूरी तरीके से छुटकारा दिलवा दिया गया। यानी कि अब इस देश में, भारत में, एक देश एक विधान एक संविधान का जो नियम है वो लागू कर दिया गया। और इसी के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग भी कर दिया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को विधानसभा नहीं दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उन्हें विधानसभा दी गई। यानी कि जिस तरह से पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर की हालत खराब की गई, जो टेररिज्म वहां पर बढ़ रहा था, जो मिलिटेंसी वहां पर बढ़ रही थी, जो शय वहां पर दी जा रही थी अलगाववादियों को, उनका सारा बेस खत्म कर दिया गया आर्टिकल 370 को हटा के। अब जब आर्टिकल 370 हटेगा तो सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप पूरी तरीके से स्क्रैप हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जब कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप हो जाएगा तो जो आर्टिकल 35A था जिसमें बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट था वो खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी जाकर जम्मू कश्मीर में अब सेटल हो सकता है, जमीन खरीद सकता है, वहां पे किसी भी तरीके के ब्लड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकता है, यहां तक कि बेसिकली सिटीजनशिप के नाम पर नॉन कश्मीरीज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर किया जाता था उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आज की डेट में हमें उस लेवल का डेवलपमेंट का ग्रोथ जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो आ चुकी है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हुए अभी 3 या 4 साल ही हुए हैं। आने वाले डेकेड्स में जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर और इकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज के नाम पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ का डेवलपमेंट बनेगा। तो ये थी बेसिकली आर्टिकल 370 की कहानी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया, इसके क्या इफेक्ट्स थे और फाइनली इसे कैसे हटाया गया और हटाने के बाद क्या क्या उसके फायदे हो सकते हैं। सो अगर आपको ये इस करंट अफेयर और कंटेम्प्रेरी इशूज की जो इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज है अगर आपको पसंद आ रही है, जो अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले वीडियोज भी हम लोग इसको कंटिन्यू करें, सो प्लीज डू फॉलो चहल अकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।